吃吃吃吃。अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बस ऑलमोस्ट मरी पहुंचने वाला हूं। इस टाइम यहां ठंड का जो लेवल है ना वो बता रहा है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। आज हम वहां जा रहे हैं जो लास्ट रोड ट्रिप की वीडियो आपने सबसे ज़्यादा पसंद की थी। आज हम फिर से ठंडियानी जा रहे हैं क्योंकि दो तीन दिन पहले मैं उसकी वीडियोज़ देख रहा था। विंटर में क्या खूबसूरत लगता है यार वो। मैं आज जल्दी इसलिए निकला हूँ क्योंकि आगे हमें काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलने वाली है और वहाँ हमारी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी। यार यहाँ पे जो स्नो है ना इस टाइम वो बता रही है कि आगे कितनी एक्सट्रीम स्नो हमें मिलने वाली है। अभी तो ये शुरुआत है जस्ट। और इस टाइम सर्दी का जो लेवल है, ग्लव्स में हाथ सुनु हुए हैं मेरे। खैर बाइक बहुत ही देख के चलानी पड़ेगी, लीन करने का तो सोचना भी नहीं है ना, ये गलती भूल के भी नहीं करनी। मैंने आज बाइक में पेट्रोल कम डलवाया है क्योंकि जो स्नो आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना तो हो सकता है दो चार दफ़ा हम गिरें, तो अगर पेट्रोल ज़्यादा होता है तो वो बाहर फ्लो करता है और आग लगने का डर होता है, इसलिए पेट्रोल मैंने कम रखा है आज। कैमरा पता नहीं जस्टिस कर पाएगा या नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत व्यू है। सामने पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही है तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। यही तो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा मज़ा है कि ऐसी खूबसूरत लोकेशंस पर बैठकर वो चाय पीने का मौका मिलता है। एक चाय ब्रेक ली है मैंने क्योंकि यहाँ पर चाय के बिना चलना तो नामुमकिन है। शदीद ठंड में ये मसला ज़रूर होता है, गोप्रो की जो बैटरी होती है वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है और बैटरी एंड हो चुकी है, मैंने उसे चार्जिंग पे लगा दी है। एक काम करेंगे, जहाँ से ठंडियानी का रास्ता स्टार्ट होगा वहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे क्योंकि असल रास्ता ही वही है दिखाने वाला। अभी मैं ठंडियानी रोड पर हूँ और कोई ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। 15 किलोमीटर तक तो स्नो के कहीं कोई आसार ही नहीं थे, लेकिन अब जाकर स्नो दिखना शुरू हुई। जो वीडियो में देख कर आए हैं वो दो हफ्ते पहले की वीडियो थी।
और उसमें तो ये रास्ता पूरा कवर था, आगे जाने का रास्ता ही था। वो यही बता रहे थे कि 3-4 दिन के बाद रास्ता खुलेगा। उसमें तो ये था कि पूरा रोड कवर था स्नो से। तो खैर आगे जाकर शायद हमें और स्नो मिलेगी, क्योंकि स्नो को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस रोड से। इस स्नो को देखकर मेरे ऊपर जाने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। एक्साइटमेंट की एक और बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आगे जाकर एक दो वीडियो के बाद आपको बताऊंगा। बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ेगा। स्लो स्लो स्लो। इस जगह का विंटर का एक ट्रिप मस्ट है, वो लाजमी होना चाहिए। लास्ट टाइम तो मैं काफ़ी जल्दी में आया था क्योंकि मैं लेट हो गया था। आज मैं टाइम से निकला हूँ, इसलिए आज हमें जल्दी नहीं है, आराम सुकून से जाएंगे और सुकून से आएंगे। यार यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल तो गलती से ही नहीं करना, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है और उसी से काम चलाना है। मेरे ख्याल से यही वो पॉइंट है जहाँ लास्ट टाइम मैं रुका था। इधर ही मैंने थंबनेल लिया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप में से कोई देखना चाहे कि समर में ये जगह कैसी दिखती है। बिल्कुल अलग ही व्यू होता है तब, और अब बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू आ रहा है। मेरे पीछे ये वही जगह है जहाँ हम लास्ट टाइम जब आए थे तो यहीं पर हमने थंबनेल लिया था। समर की अपनी खूबसूरती है इस जगह की, और विंटर की अपनी है खूबसूरती। अभी भी क्या कमाल व्यू आ रहा है। जो लास्ट टाइम मैं आया था, एक काम करूँगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके साथ ही स्नो फाइट करते हैं। वैसे अगर कोई देख रहा हुआ ना तो कहेगा कि ये पागल वागल हो गया, लेकिन यार इतनी खूबसूरत जगह है कि इतना मजा आ रहा है ना। मेरे जूतों को इग्नोर करें क्योंकि बाइकर्स के शूज ऐसे ही होते हैं। खैर आगे चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है आगे हमें और भी खूबसूरत व्यू मिलने वाले हैं, तो आ जाए चलते हैं।
उतर के इसे आगे करते हैं। अब पता नहीं गोप्रो में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल ये छोटे छोटे फ्लेक्स आ रहे हैं ऊपर से। वाह, ऐसे रास्तों में अपहिल फिर भी आसान होता है, डाउनहिल पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। फाइनली हम पहुंच ही गए। अभी चल के कुछ खाते पीते हैं और फिर आराम से निकलते हैं, आज कोई जल्दी नहीं है। मेरे पीछे ढाबा काफी दूर है और बाइक पर मेरा इम्पोर्टेंट सामान है जो कि मैं छोड़ के नहीं जा सकता, तो एक काम करते हैं पीछे चल के ही कुछ खा लेंगे। लेकिन यार यहाँ आने का जो मज़ा है, नेक्स्ट टाइम भी विंटर में मैं लाजमी आऊँगा। खैर 5-10 मिनट रुकते हैं यहाँ और फिर चलते हैं। यहाँ से ऊपर आना भी एक टास्क है जो कि कंप्लीट हुआ। शिट 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 शिट।
अभी ऐसा गंदा गिरने वाला था।